अच्छा एक बात बताइए, आप दोनों मेरे लिए क्या करेंगे? मतलब आप दोनों को क्या लगता है कि ये इतनी लंबी लिस्ट मैं अकेले पूरी करूंगा? और सबसे बड़ी बात सर, ये जो लास्ट आइडिया है वो आप ही का दिया हुआ है, फैक्ट्री वाला। भाई फैक्ट्री शुरू हो जाएगी तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, और फिर मैं आराम से। आपकी उस पर्ची में एक और इच्छा भी है, शादी करने की। आप है ना आनंद, अब तुम मुझे मजबूर कर रहे हो तुम्हें मारने के लिए। ओ वाह 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 भाई वाह, क्या प्यार है। चलो ठीक है, मैं किसी और लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता हूं, पर फिलहाल आप तैयार हो जाइए, आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। थैंक यू। ये फिर से रोने शुरू कर दी। अच्छा हुआ शादी के लिए नहीं कहा। कनक मैं जानता हूं कि ये सब कुछ कितना मुश्किल है, लेकिन अब ये फैक्ट्री हमें आनंद के लिए तो खोलनी होगी। ठीक है, जब तक आप तहसीलदार से मिलकर आएंगे मैं गांव के हर घर जाकर सारी औरतों से बात करूंगी, उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना सारा काम मैं खाली पेट नहीं कर सकता। खाना मैं भी आपके लिए कुछ बनाती हूँ, आपके लिए भी। माधवी तुम ठीक तो हो? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। बोलो सुनील। समझ में नहीं आता कि कैसे कहूं तुमसे। काफी दिनों से मैं उलझन में था। एक्चुअली मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा भी और कोई है। क्या? आई नो माधवी तुम क्या सोच रही हो, पर बिलीव मी मैं कब से ये बात तुमसे कहना चाह रहा था। कब से? मतलब कब से तुम्हारी जिंदगी में कोई और? काफी वक्त हो गया। हर बार इस घर की वजह से और इस फैमिली की वजह से मैं चुप रह गया। सुनील कौन है वो, क्या मैं उसे जानती हूँ? माधवी तुम्हारे हर सवाल का जवाब गेस्ट रूम में है, वो वहां बैठी है। सुनील तुमने उसे उसे इस घर में बुलाया? क्यों सुनील, क्यों अब ये सब? क्यों सुनील तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? Thank you.
अरे पुष्पा, कैसा रहा आपका दिन? बहुत अच्छा। मैंने गांव की सारी औरतों से बात कर ली, उन्हें फैक्ट्री के बारे में भी बताया और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो इस बारे में जरूर सोचेंगी। वेरी गुड, पर अभी हमें ढील नहीं देनी है, आगे के कदम के बारे में सोचना होगा। आपको देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। मतलब? अरे पुष्पा, मैं आपकी नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। वैसे मैं तुम दोनों को बताना चाहता हूं कि डीएम के साइन मिल गए। अब ये फैक्ट्री बनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। लवली, जब ये मुझे पहली बार मिली थी ना बस में, मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि इन्हें कौन संभाल पाए, लेकिन अगर आप पुष्पा को संभाल सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वेरी गुड, लेकिन अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट काम बाकी है, गांव वालों को मनाना। कल सुबह जो काम खनक ने शुरू किया है उसे हम कल आगे बढ़ाएंगे। हाँ, पर उससे पहले हमें गांव के सारे लोगों को इकट्ठा करके उनकी राय जाननी चाहिए। अगर वो लड़की समझती है कि मेरे रिश्ते को एक झटके में खत्म कर देगी तो मैं उसे ही। चाहे उसके लिए मुझे अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही क्यों ना बितानी पड़े, खत्म कर दूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी तो तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। यही तो है वो मुस्कुराती हुई लड़की। जिसे मैं कुछ समय के लिए खो चुका था, जिसे मैं बहुत मिस कर रहा था और जो एक अरसे के बाद मुझे फिर से मिल गई है। मैं भी उस पति को बहुत मिस कर रही थी जो मुझे इतना प्यार करता है। Happy birthday. Thank you. सच में सुनील, मुझे तो लगा था कि तुम मेरा बर्थडे भूल ही गए। कैसे कैसे? बिल्कुल याद नहीं था। सच कहूं तो खनक का शार नहीं होते तो शायद मुझे याद भी नहीं आता। खनक ने याद दिला और ये पूरे ड्रामे का डायरेक्टर शान है, बिल्कुल बाप पर गया है। Think of the devil. तुम्हारे लिए। Hello. Happy birthday, mom. Thank you so much, बेटा। मम्मी जी, जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ। Thank you. तुम दोनों की ना बहुत याद आती है। शान के बिना तो घर पर बात करने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं है। और खनक, मेरी KFD. तुम्हारे बिना तो घर पर कोई ड्रामा ही नहीं होता। तभी तो मम्मी जी आधा ने आपको इतना अच्छा उपहार दिया। आपको पसंद आया? बहुत पसंद आया। जब तुम सास बहू के डायलॉग खत्म हो गए तो मैं अपने बेटे से गुफ्तगु कर लूं। एक मिनट। थैंक यू। घर आने का इरादा है या नहीं? हमारी याद नहीं आती? याद तो बहुत आती है डैड। वैसे डैड, एक गुड न्यूज है, फैक्ट्री खुलने के चांसेस है। दैट्स गुड न्यूज। ये काम मैं खुद करना चाहता हूँ। ओके बेटा, जरा खनक को फोन देना प्लीज। जी, वन सेकंड। डैड। जी आदा। खनक बेटा, पता नहीं तुम ये कैसे कर लेती हो, पर
एक बार फिर तुमने मेरे बेटे का साथ देकर मुझे एक प्राउड पापा बना दिया है। थैंक यू सो मच बेटा। माफ करना पर ये जो आपके बा है ना मंगल, आफत का दूसरा नाम है। आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये मंगल भा आए हैं तो कुछ तो करके जरूर जाएंगे, पर हम संभालेंगे है ना। आप चाहिए शांतनु के साथ रहिए, तब तक मैं गांव वालों को संभालती हूँ, उनसे बात करती हूँ। लीजिए ना, खमन खाइए। मंगल भा, खाने के साथ इस तरह मजाक नहीं करते, बहुत बुरी बात है। मजाक उड़ा रही है? उड़ा उड़ा मजाक उड़ा। पर एक बार अगर मैं मैदान में आ गया ने, तो तुम लोग की जो हेकड़ी है ना, नींबू की तरह निचोड़ के रख दूंगा। मंगल भाव, अब कब समझेंगे? हम भी मजाक नहीं कर रहे, और इसे अकड़ नहीं, इसे आत्मविश्वास कहते हैं। भाई और बहनों, केम छो? इससे ज्यादा गुजराती मुझे आती नहीं। मेरा नाम शांतनु है। देखिए, खुशी की बात तो यह है कि हमने सरकार से इजाजत ले ली है दोबारा इस गांव में फैक्ट्री शुरू करने की। तो उसका मतलब यह है कि हमारे जितने भी भाई गांव से शहर गए काम की तलाश में, अब वो सब गांव वापस आ सकते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि जितने भी गांव के मर्दों ने वापस बुला लिया जाए, क्योंकि हमारी फैक्ट्री में सबके लिए बहुत काम। हाँ, सब वापस आ जाएंगे। अरे छुटरा मौसी, आपका बेटा भी वापस आ जाएगा। सुमित्रा भाभी, आपके पति भी वापस आ जाएंगे, और मीना भाभी, आपके पति जो गए हैं वो भी वापस आ जाएंगे। आप एक बात बताइए, जब गांव में इतना काम होगा तो शहर जाने की जरूरत ही क्या है, है ना? सही है, सही है। नहीं चाहिए हमें फैक्ट्री फैक्ट्री। एक आदमी को मार के तेरा पेट नहीं भरा? अरे पिछले साल इसने मेरे बाप सूरज की जान ली थी। दीन्दा, दीन्दा, दीन्दा,
और इस फैक्ट्री को बनाने में एक आदमी और मारा गया। जैसा कि आप सब ये जानते हैं, ये फैक्ट्री जिस जमीन पे बनी है वो एक विधवा से खरीदी गई थी। उसका पति और दो बेटे इसी जमीन के भेंट चढ़े थे और इसी जमीन में उन लोगों ने दम तोड़ा था। यहां कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं बनेगी। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि आपके पति और बेटे इस जमीन के भेंट चढ़ जाए? यह जमीन मनहूस है। सुग्रा मौसी, तुम्हारा बेटा शहर में है ने? अरे जिंदा तो है। सुमित्रा भाभी, तुम्हारा पति वहां शहर में जी जान से नौकरी कर रहा है और तुम उसे वहां वापस बुलाना चाहती हो। और मीना भाभी तुम, अरे खाना जरूरी है या सुहाग? अब सोच लो, बाद में कहना नहीं कि मंगल ने चेतावनी नहीं दी थी। देखिए, आप इसकी बात मत सुनिए। ये सब अंधविश्वास की बातें, ये सब बकवास है। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी फैक्ट्री। हाँ हाँ, नहीं चाहिए। उस मनहूस जमीन पर हम कदम भी नहीं रखेंगे। मेरी बात समझने की कोशिश। शहरी बाबू मुर्दाबाद, फैक्ट्री मुर्दाबाद, शहरी बाबू मुर्दाबाद, फैक्ट्री मुर्दाबाद। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश सुनिए। मैं शहरी बाबू मुर्दाबाद, फैक्ट्री मुर्दाबाद, शहरी बाबू मुर्दाबाद, फैक्ट्री मुर्दाबाद, शहरी बाबू मुर्दाबाद। क्या लगा मंगलबा, इस शहरी बाबू के लिए मैं अपने गांव वालों का साथ छोड़ दूंगा? उत्तर ही नहीं। हमें तो तू उसके गंडवार गा रिया था। हाँ, लेकिन मैं अपने भाइयों का साथ नहीं छोड़ सकता। हम जो भी करेंगे साथ में करेंगे। क्यों भाइयों? फैक्ट्री शहरी बाबू, फैक्ट्री शहरी बाबू। शांत हो जाओ भाइयों, शांत शांत हो जाओ। यूं नारेबाजी लगाने से कुछ नहीं होगा। आप सब तो जानते हैं कि आज तक हमने जो भी कुछ किया है आप लोगों के समर्थन से किया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये फैक्ट्री नहीं खुले तो ये फैक्ट्री नहीं खुलेगी।